हेलो सुरेश, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। तो देखो सुनो, अपना चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स चल रहा था, जहां पर हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट की थी। ठीक है, उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट करवा दी थी। क्या क्या थी? फर्स्ट तो था हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जहां पर हमने सीखा था कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 1 - e^2 KT। ठीक है, क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आपको उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जाए तो कितना करोगे, 1 - e^2 - KT। ठीक है, इसी तरह से हमने जीरो ऑर्डर के लिए भी कैलकुलेट किया था, अगर आपको जीरो ऑर्डर के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, KT/A0। ठीक है, जहां पर हमने देखा था कि फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनिशियल कंसेंट्रेशन के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, या फिर रिएक्टिंग के कंसेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट करने के बाद हमने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, और जो क्या था, हाफ लाइफ के ऊपर था। ठीक है, हमने देखा था कि हाफ लाइफ का रिलेशन क्या होता है। जैसे कि हमने देखा था अगर आपसे T 75% पूछा जाए तो क्या होता है, ये 2 times of T हाफ लाइफ होता है। ठीक है, अगर आपसे T 87.5% पूछा जाए तो ये क्या होता है, 3 times of T हाफ लाइफ होता है। फिर हमने और देखा था कि अगर T 99.9% अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होता है, 10 times of T हाफ लाइफ होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ हाफ लाइफ्स के ऊपर चेक किया था कि अगर हमारे पास कुछ एक्स परसेंट अमाउंट अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट है, उस एक्स परसेंट अमाउंट रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम इंटरवल लगा है, उसे अगर कैलकुलेट करना है तो उसका आप हाफ लाइफ से रिलेट करके आप वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस पर आगे मूव करते हैं बेटा, और कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए लेसन जो भी लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम पहले तो न्यूमेरिकल चेक करेंगे जो हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी उसके ऊपर, फिर हम आगे की कैरेक्टरिस्टिक को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास, देखिए न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीट। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो आपके पास 75% कंप्लीट है इन 100 मिनट। कितने मिनट में? 100 मिनट में। फिर आपसे ये पूछा गया है यहां पर कि कैलकुलेट T 87.5%, मतलब कि अगर किसी रिएक्शन को 75% कंप्लीट होने में 100 मिनट लगता है तो आपको ये बताना है कि 87.5% कंप्लीट होने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखो बेटा अभी हमने ये पढ़ा था कि भाई जो अभी देखा था अभी कि T 87.5% ये क्या होता है, 3 times of T हाफ लाइफ होता है, ये भी हमने चेक किया। मुझे बताओ कि भाई T 75% क्या होता है, भाई ये 2 times of T हाफ लाइफ होता है कि नहीं होता है। तो बस हमें यहां पर क्या करना है, इन दोनों को रिलेट करना है। कैसे रिलेट करोगे, इनका रेशियो निकाल दो। मैं क्या करूं भाई, मैं ऐसा करता हूं कि T 75% को T 87.5% से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, कर दो, कितना हो जाएगा भाई, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, टी हाफ लाइफ से टी हाफ लाइफ तो कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे ये बताओ कि किसी रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन हमें पूछा है कि भी यहां बोला है कि 75% कंप्लीट हुई तो 100 मिनट लगा है, तो बताओ T 75% कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 100 मिनट × 3/, ये क्या हो जाएगा, T 87.5%। ये कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, 150 मिनट। बताओ सिंपल है ना, क्या किया हमने, हमने ये चेक किया भाई T 75% कोई रिएक्शन कंप्लीट, 100 मिनट लगा, 87.5% कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो दोनों का क्या किया हमने, रेशियो निकाल लिया। रेशियो जैसे कि निकाला तो हमें पता चल गया कि इस रिएक्शन को 87.5% कंप्लीट होने के लिए कितना मिनट लगेगा, 150 मिनट लगेगा। समझ में आता है, चलिए इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और न्यूमेरिकल करते हैं। कर लिया, चलिए आगे बात करते हैं। देखो और न्यूमेरिकल की बात करते हैं कुछ। जैसे कि अब आपसे पूछा गया है कि फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, आपके पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, अब क्या होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप। ओके, एक एलिमेंट्री रिएक्शन आपके पास जहां पर एक्स कन्वर्ट हो रहा है Y+Z के अंदर, और इसका आपको टी हाफ गिवन है, ये गिवन है 10 मिनट, मतलब कि इस रिएक्शन की हाफ लाइफ को गिवन है 10 मिनट्स।
फिर आपको ये बोला यहां पर कि इन व्हाट पीरियड, इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम वुड कंसंट्रेशन एक्स विल बी रिड्यूस टू 10% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, या फिर ओरिजिनल वैल्यू। चलो ठीक है, फिर यहां पर और गिवन आपको, यहां पर आपको इसका रेट लो गिवन है, और रेट लो कुछ गिवन है आपको के इंटू एक्स टू द पावर, ठीक है। चलिए, और कुछ ऑप्शंस भी गिवन है, एक गिवन आपको 20 मिनट, ऑप्शन नंबर बी गिवन आपको 33 मिनट, ऑप्शन नंबर सी गिवन है आपको 15 मिनट्स, एंड ऑप्शन नंबर डी गिवन है आपको 25 मिनट्स। चलिए तो स्टार्ट करें, ध्यान से देखो। ऐसा करो कि एक बार आप ट्राई करोगे इसे, वीडियो को पॉज करो, इस न्यूमेरिकल को आप खुद ट्राई करो एक बार। कर लिया? देखो अब मैं सॉल्व करवाता हूं। मैं हमें एक एलिमेंट्री रिएक्शन दी है जहां पर एक्स रिएक्टेंट आपका वाई प्लस जेड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसका हाफ लाइफ भी गिवन है। आपको ये पूछा है कि कितने टाइम पीरियड में ये जो एक्स है, एक्स का जो इनिशियल जो भी था कंसेंट 100% था, उसका 10% तक ये रिड्यूस हो चुका है, उस टाइम पीरियड को आपको कैलकुलेट करना है कि 100% से 10% आने तक इसको कितना टाइम लगा है, हमें वो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो देखो, पहली बात तो ये कि कौन से ऑर्डर का क्वेश्चन है, जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, nth ऑर्डर का क्वेश्चन है, कौन से ऑर्डर का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, इसका रेट लो क्या कहता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन, जो भी इसकी रिएक्शन की रेट है वो क्या है, रिएक्टेंट की पावर 1 के साथ क्या हो रही है, वेरी हो रही है। मतलब कि यहां पर बोला है कि रिएक्शन की ऑर्डर कितनी है, 1 है, मतलब कि ये फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। चले, एक चीज तो क्लियर हो गई कि फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है तो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। सही है? अच्छा ध्यान से देखो, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें टी कैलकुलेट करना है कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेकेंड चीज, के यहां पर कहीं पर गिवन हमें नहीं है, लेकिन हमें क्या गिवन है, हमें हाफ लाइफ गिवन है। क्या मैं हाफ लाइफ से रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकता हूं? कर सकता हूं, ऑब्वियसली बात है भाई। हमने सीखा है कि टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, 0.693 अपॉन के होता है, होता कि नहीं होता है बताओ। यहां से के कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ कितना गिवन है आपको, 10 मिनट। ओके, तो ये आ जाएगा 0.0693 मिनट इनवर्स। बताओ आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू उठाओ यहां पर पुट करो, कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है, तो बताओ हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं ना। कंसंट्रेशन बताओ, ए नोट कितना है, देखो यहां पर बोला है कि भाई इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन का ये कितना हो चुका है, 10% तक रिड्यूस हो चुका है। मैं मान लू कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है कुछ ए नोट, कितनी है ए नोट, ए नोट कितना है, 100% है, ठीक है, 100% से लेकर 10% तक आ चुका है, तो बताओ फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी, ये कितनी हो जाएगी फाइनल कंसंट्रेशन, एटी कितनी हो जाएगा बताओ, 10% कितना हो गया इसका, 10% ऑफ ए नोट हो गया ना भाई, 100% था ए नोट तो उसका 10% तक रिड्यूस हो चुका है, किसका 10% रिड्यूस हो चुका है, ए नोट का, तो 10% ऑफ ए नोट हो गया। इसे देख लो ये कितना हो जाता है भाई, ये हो जाएगा 0.1 ए नोट, बताओ होगा कि नहीं होगा, होगा। चलो ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.0693 लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट मान लो आप, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना मान लो, ए नोट, ए नोट की टर्म में लेके चल रहा हूं, ठीक है ना, तो ए नोट हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन। बताओ एटी कितनी है, तो 0.1 ऑफ ए नोट है, सही है, ए नोट से ए नोट कैंसिल आउट, ठीक है, 0.1 ऊपर कितना जाएगा, 10, मतलब कि log 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 होती है ना, पता ना आपको log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, log base 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो पूरा हो गया 1, बचा क्या सिर्फ ये, तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.0693, ठीक है, ये आ गया मिनट।
ठीक है, मिनी टर्म्स चला तो मिनी आगे ऊपर चलेगी। इसे कैलकुलेट लीजिए, इसे जब सॉल्व करो तो आपके पास वैल्यू आएगी 33 मिनट्स। ठीक है, तो हियर इज योर आंसर, क्लियर है। देखो हमने क्या किया, पे हमसे ये पूछा था कि आपके पास एक रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ गिवन है, इस रिएक्शन की इनिशियल कंसंट्रेशन से 10% तक रिड्यूस हुआ, उस टाइम पीरियड को आपको कैलकुलेट करना है। मतलब कि इनिशियल था 100, अब हो चुका है 10, तो 90% कंज्यूम हो चुका है टोटली। तो 90% कंज्यूम होने का आपको टाइम पीरियड बताना था, तो हमने बता दिया। भाई हमने क्या देखा, भाई हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसको हमने ए नोट मान ली, 10% तक रिड्यूस हो चुका है, तो ए नोट का 10% रिड्यूस हुआ ना, तो ए नोट का 10% कितना होता है, 0.1 ऑफ ए नोट ही तो होता है। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो होगी ए नोट, और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.1 ए नोट हो गई। एक चीज तो ये क्लियर हो गई। फिर अब कौन से ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो भाई दिख रहा है कि जो रिएक्शन की रेट है वो रिएक्टेंट की 1 पावर के साथ वेरी हो रही है, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला में वैल्यू पुट की, बात रही के की, तो के कहां से कैलकुलेट किया, भाई हमें हाफ लाइफ पता था, हमने रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया, रेट कांस्टेंट की वैल्यू यहां पुट की, इसे सॉल्व किया, आंसर कितना आया आपके पास, 33 मिनट। तो चेक कर लीजिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। चलिए, तो ये था काइनेटिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक थी उसके ऊपर क्वेश्चन। अच्छा ऐसा कीजिए कि इसे आप अच्छे से नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूं जो जी मेंस का है और 2016 में पूछा भी गया है, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। कल्याण नोट, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इसे मैं एक बार रफ कर देता हूं, देखिए क्वेश्चन है आपके पास, देखो क्वेश्चन आया है, पूछा गया है जी 2016 में, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डीकंपोजिशन टाइम टेकन इट्स डीकंपोजिशन टू 1/8 एंड 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन आर टी ऑफ 1/8 एंड टी ऑफ 1/10 रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट यू हैव टू कैलकुलेट हियर टी 1/8 अपॉन टी 1/10 इनटू 10, और यहां पर आपको गिवन है लॉग 2 की वैल्यू जो गिवन है 0.3010। ओके, तो समझ में आ गया न्यूमेरिकल क्या करना है आपको। आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोजिशन गिवन है, उसने बोला है कि जो भी डीकम्पोजिशन हो रहा है उसमें जो टाइम लग रहा है वो कितना है, टी 1/8 एंड टी 1/10। टी 1/8 में कितना डीकम्पोजिशन हुआ, 1/8 तक डीकम्पोजिशन हो चुका है। टी 1/10 में 1/10 तक डीकम्पोजिशन हो चुका है, किसका, इसकी ओरिजिनल इनिशियल कंसंट्रेशन का। आपको कैलकुलेट करना है टी 1/8 अपॉन टी 1/10 इनटू 10। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करो फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूं। कर लिया सॉल्व, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या करना है, पहली बात आपको आपको ये कैलकुलेट करना है, तो पहले क्या करोगे आप, टी ऑफ 1/8 कैलकुलेट कर लो एंड देन टी ऑफ 1/10 कैलकुलेट कर लो। तो देखो टी ऑफ 1/8 की बात करूं, अब देखो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहां पर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोस फर्स्ट ऑर्डर, हाँ बोला है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना हो चुका है, 1/8 हो चुका है, तो
तो कितना हो गया ए नोट अपॉन एट हो गया, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, लॉग एट बन जाएगा, ये ए नोट से एट नोट कैंसिल आउट, 1/8 ऊपर चला जाएगा तो एट हो जाएगा, तो ये हो गया लॉग एट, डायरेक्ट लिख लो मैं लॉग एट, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं टी 1/10 की, टी 1/10 ओके कितना हो गया 2.303 अपॉन के लॉग ए नोट अपॉन ए नोट बाई 10, तो ए नोट से ए नोट कैंसिल, बचा कितना लॉग 10, तो लॉग 10 लिख दू डायरेक्ट मैं यहां पर लिख दू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सही है। अब देखो अब कैलकुलेट क्या करना है, उस पर जाओ भाई, टी 1/8 निकाल लिया, टी 1/10 निकाल लिया, इंटू 10 करना है ना, इसका रेशियो निकाल के देखो इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया इंटू 10 कर दो, कर दिया, क्या कैंसिल हो रहा है देखो 2.303 अपॉन के, 2.303 अपॉन के पूरा कैंसिल आउट हो गया, लॉग 10 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो बचा क्या, अब बचा सिर्फ आपके पास लॉग 8 इंटू 10 बचा है, लॉग 8 कितना होता है बताओ, लॉग 8 की वैल्यू देखो, लॉग 8 क्या हो सकता है, लिख सकते हो आप 2 to the power 3 लिख सकते हो इंटू 10, लॉग 8 को क्या हो गया 2 का क्यूब हो गया। अब किसी देखो अब फॉर्मूला लगता है कि लॉग ए टू दी पावर एक्स क्या हो जाएगा, एक्स लॉग ए हो जाएगा, तो बताओ लॉग ए टू दी पावर एक्स, एक्स आ गया क्या, मतलब 3 आ गया, गया 3 इंटू लॉग 2 की वैल्यू कितनी है 0.3 है इंटू 10, बताओ ये कितना हो जाएगा, नाइन हो गया ना भाई, 3 into 0.3 कितना हो गया 0.9, 0.9 इंटू 10 कितना हो गया 9, तो आ गया आपका आंसर टी 1/8 रेशियो टी 1/10 इंटू 10 की वैल्यू कितनी आई 9, तो ये क्या आपका आंसर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ना, कुछ नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन भी नहीं था इतना कोई खास, आपको बस इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना था और उसको 10 से मल्टीप्लाई करना था, कर लिया। चलिए एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक के टुवर्ड्स मूव करते हैं, ले लिया। चलो अब आगे बात करते हैं, अब चलते हैं हम आगे इस चैप्टर में, और अब हमारी जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर मूव करते हैं। दो कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हमने कंप्लीट कर ली है, और अब बारी आती है नेक्स्ट। देखिए जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका कोई मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक तो नहीं है, बस एक पॉइंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं उसी चीज को हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल की बेसिस से है, तो मैं समझाता हूं आपको एक बार, फिर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा उसके ऊपर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको यूज कहां करना और कैसे करना है। तो देखो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ आपकी कि भाई देखो, जैसे आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन टी एल एन ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी होता है, यही होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला, के इज इक्वल टू वन अपॉन टी एल एन ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी। चलो अब मैं क्या करता हूं कि मुझे बताओ कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए के का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हाफ लाइफ की फॉर्म में लिखना है मुझे तो क्या लिख सकते हो आप, के को 0.693 मतलब कि एल एन ऑफ टू अपॉन टी हाफ लाइफ लिख सकते हो क्या, ये लिखते हो ना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल एन ऑफ टू अपॉन टी हाफ, इसे क्या करो आप यहां पर पुट कर दो, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा एल एन ऑफ टू अपॉन टी हाफ, ये किसके इक्वल हो गया, वन अपॉन टी इंटू एल एन ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी। अब क्या करो कि जो टाइम गिवन है आपको ये टी टाइम, इसको टी हाफ के साथ ले लो, ठीक है, तो इसको उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा देखो आगे एल एन ऑफ ए नोट अपॉन ए टी, इसको इस साइड लिख रहा हूं, इसको इस साइड लिख रहा हूं, ठीक है, क्या हो जाएगा टी अपॉन टी हाफ एल एन ऑफ टू, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला बन रहा है यहां पर, यहां पर फॉर्मूला ये बन रहा है कि भाई हमने पढ़ा था कि भाई एल एन ऑफ ए टू दी पावर एक्स होता है, तो क्या हो जाएगा एक्स एल एन ऑफ ए हो जाता है, तो यहां पर देखो एक्स एल एन ऑफ ए दिख रहा है, क्या इसका मैं अपोजिट लिख सकता हूं, मतलब कि ये जो एक्स है ये जो टी अपॉन टी हाफ है ये 2 की पावर में चला जाएगा, तो देखो आगे क्या बनेगा, आगे बनेगा एल एन ऑफ ए नोट अपॉन ए टी, ये बन जाएगा एल एन ऑफ 2 और 2 की पावर में क्या हो जाएगा टी अपॉन टी हाफ, बता होगा कि नहीं होगा, इस टी अपॉन टी हाफ को गिवन टाइम अपॉन हाफ लाइफ को मैं मान लेता हूं एन, क्या
क्या मान लेता हूं एन, और इस एन का मतलब हो जाएगा आपके यहां पर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। कैसे होता है इसका एन का मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, मैं वो भी समझाता हूं। अभी यहां पर वैल्यू पुट करो, एल एन ऑफ ए नॉट अपॉन एल एन ऑफ ए टी इज इक्वल टू क्या हो गया, एल एन ऑफ टू टू द पावर एन। अच्छा सॉरी, यहां पर शायद मैंने मिस्टेक की एक, नहीं सही चल रहा ना, एल एन ऑफ टू अपन टी हाफ इज इक्वल टू वन अपन टी एल एन ऑफ ए नॉट अपन ए टी। ठीक है, एल एन ऑफ ए टी की वैल्यू लिखनी थी हमें। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूं। यहां पर हमारे पास नेगेटिव साइन नहीं था ना, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे इंटीजर कन्वर्ट कर रहा हूं। देखो इसको क्या करूं, पूरा चेंज कर दूं, चेंज कर दूं मतलब कि देखो ऐसा करते हैं अपन, हाँ चलो रहने दो, चेंज नहीं करते। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर एल एन से एल एन कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बचा, अब बचा ए नोट अपॉन ए टी इज इक्वल टू 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 दी पावर एन बचा है, बचा है। मैं क्या करूं, ए टी की वैल्यू निकालू यहां से, मुझे बताओ ए टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए नोट अपॉन टू टू पावर एन हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं ए टी इज इक्वल टू ए नोट इंटू वन अपॉन टू होल टू पावर एन, लिख सकता हूं ना। तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट रिलेशन, अब इसको हमें यूज करना है। ठीक है, मैं अभी आपको समझाता हूं इसके यूज हमें कैसे करना है। पहले समझो आप कि हमने क्या किया, हमने यहां पर एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखा, के इज इक्वल टू वन अपॉन टी एल एन ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी। क्लियर है, के कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू पुट की भी, उसके लिए एक क्वेश्चन थी हमने पढ़ी थी हाफ लाइफ की, एल एन ऑफ टू अपॉन टी हाफ, इसे यहां पर पुट किया। फिर इसे हमने सॉल्व किया कि भी देखो एल एन ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी को एज इट इज रखा, ये देखो इसको उठा के यहां लिख दिया इस साइड, ठीक है, और टी को इधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा टी अपॉन टी हाफ एल एन ऑफ टू। अब फॉर्मूला होता है कि भी एल एन ऑफ ए टू दी पावर एक्स क्या हो सकता है, एक्स एल एन ऑफ ए हो सकता है। ठीक है, तो इसका अपोजिट ये भी तो हो सकता है, तो एक्स को वापस क्या कर दिया, पावर में भेज दिया, तो टी अपॉन टी हाफ को क्या कर दिया हमने, टू की पावर में भेज दिया, पावर में भेजा, टी अपॉन टी हाफ को मैंने मान लिया एन, और इस एन को क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ हाफ लाइफ बोला। ठीक है, अब देखो अगर टी अपॉन टी हाफ को एन बोला तो एल एन ऑफ टू की पावर क्या हो गया एन, एल एन से एल एन क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, यहां से क्या किया मैंने ए नोट अपॉन ए टी इज इक्वल टू द पावर एन, और मैंने ए टी की वैल्यू कैलकुलेट की, तो ए टी किसके इक्वल हो गया, ए नोट अपॉन टू टू द पावर एन हो गया इसके इक्वल। अब इसको मैंने क्या लिख दिया, ए टी इज इक्वल टू ए नोट इंटू वन अपॉन टू होल की पावर क्या लिख दिया, एन लिख दिया, लिख दिया। अच्छा ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आएगा अभी आपके, ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, ये भी बहुत काम आएगा। ठीक है, मैं समझाऊंगा कहां पर काम आता है। पहली बात ये कि टी अपॉन टी आपको मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कोई रिएक्शन है उसका आपके पास हाफ लाइफ गिवन है 5 मिनट्स, तो मैं पूछ रहा हूं कि टी इज इक्वल टू 10 मिनट्स में कितनी हाफ लाइफ हुई उसकी, तो भाई अगर हाफ लाइफ 5 मिनट है तो 10 मिनट में कितनी हाफ लाइफ होगी, भाई टू टाइम्स ऑफ इट्स हाफ लाइफ होगी ना, क्या हो जाएगा देखो, इनिशियल गिवन टाइम अपॉन हाफ लाइफ कितना हो गया, टू हाफ लाइफ हो गई, टू हाफ लाइफ के इक्वल हो गया। फिर मैं पूछू 15 मिनट पे कितनी हाफ लाइफ के इक्वल हो गया, तो थ्री हाफ लाइफ के इक्वल हो गया। समझ रहे हो हाफ लाइफ का मतलब कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ, देखो किसी रिएक्शन की हाफ लाइफ थी 5 मिनट, 10 मिनट में वो कितनी हाफ लाइफ हो गई, तो टू टाइम्स ऑफ इट हाफ लाइफ के इक्वल हो गया। 10 मिनट का मतलब क्या हो गया भाई, हाफ लाइफ 5 मिनट है तो 10 मिनट का मतलब क्या हो गया कि टू टाइम्स ऑफ इट्स हाफ लाइफ, 15 मिनट का मतलब क्या हो गया कि थ्री टाइम्स ऑफ इट्स हाफ लाइफ, यही हुआ ना। तो ये होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ का मतलब, ठीक है समझ में आ रहा है। चलिए तो अच्छा अब बात करते हैं आगे, और आगे ट्राई करते हैं हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल और देखते हैं। देखो समझना आप ध्यान से, यहां से आगे यहां पर पहले एक पोर्शन बना लेते हैं हम। अब देखो इसको यूज कहां करना है, तो इसको यूज करने के लिए तो देखो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल की आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कहां पर करना है। एक जनरल सा आइडिया देता हूं मैं आपको यहां पर कि इसको यूज कब करना है, तो देखो कंडीशन आपके पास दो होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन व्हेन गिवन टाइम इंटरवल इज मल्टीपल ऑफ
इट्स हाफ लाइफ। एंड कंडीशन नंबर टू है व्हेन कंसंट्रेशन, व्हेन गिवन कंसंट्रेशन इज, गिवन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मल्टीपल ऑफ टू। ठीक है, कब यूज कर सकते हो? जब जो आपको टाइम गिवन है वो हाफ लाइफ का मल्टीपल हो तब यूज कर सकते हो, या फिर जो आपको रिएक्टिंग कंसंट्रेशन गिवन है वो टू के मल्टीपल में होनी चाहिए। कैसे होगी? देखो मैं समझा दू, दोनों को समझा दू, न्यूमेरिकल की समझाता हूं। ठीक है, आपको देखो न्यूमेरिकल करते हैं अपन। न्यूमेरिकल कुछ आपके पास इस तरह से के फोर अ कॉन्स्टेंट, ये रेट कॉन्स्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.386 मिनट इनवर्स। ठीक है, फिर आपको बोला है यू हैव टू कैलकुलेट हियर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 8 मिनट्स। देखो अब समझना इसको यूज कैसे करना है, इस फॉर्मूले को यूज करना है कैसे करना है, और इस कंडीशन को भी कैसे समझाता हूं मैं आपको यहां पर। ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको बोला है कि एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का कांस्टेंट रेट कांस्टेंट कितना गिवन है, 1.386 मिनट इनवर्स गिवन है। आपको यहां पर कैलकुलेट करना है कि आफ्टर 8 मिनट, आफ्टर 8 मिनट रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन बच गई। तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला लगेगा, तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, 2.303 अपॉन टी, आफ्टर 8 मिनट बोला ना तो टी कब सा गया, 8 मिनट वाला हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू सॉरी इनटू लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छा ओके, मुझे तो ये फॉर्मूला यूज करना सिखाना था ना आपको, तो मैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं यहां पर। देखो मैं इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर रहा था आपको। देखो इस फॉर्मूला को लिखते हैं, ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट इंटू 1/2 होल टू द पावर एन। ठीक है, यहां पर क्या बता रहे हैं आपको कि आफ्टर 8 मिनट कितनी कंसंट्रेशन बाकी बाकी रहेगी, मतलब आपको एटी कैलकुलेट करना है, एटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका एटी इंटू ए नोट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है। अच्छा यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन नहीं है, हम मान सकते हैं, हम देखो मैं ले लेता हूं कुछ ए नोट की वैल्यू, हमने मान ली कि टू है, टू है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी पुट कर दूं मैं, टू पुट कर देता हूं इनटू 1/2 होल टू द पावर एन। अब एन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ का मतलब क्या हो गया भाई, एन का मतलब हो गया टी अपॉन टी हाफ। क्या हो गया, टी अपॉन टी हाफ। बताओ टी कौन सा टाइम है, गिवन टाइम, कितना गिवन टाइम है, 8 मिनट अपॉन हाफ लाइफ। अच्छा यहां पर हाफ लाइफ गिवन नहीं है तो हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो टी हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करोगे, 0.693 अपॉन के, के की वैल्यू कितनी है 1.386, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा फोर, कितना आ जाएगा ये 0.5 आ जाएगा ना शायद, कैलकुलेट कर लो, ये 0.2 टाइम्स जाएगा शायद, 0.693 इंटू टू, हाँ ये 2 टाइम्स जाएगा। ओके, तो 2 टाइम्स का मतलब कि 0.5 आ गया। ठीक है, तो हाफ लाइफ कितना हो गया, 0.5 मिनट, इसे कैलकुलेट कर लो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 16। मतलब कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी आ गई आपके पास, 16। ध्यान से देखो अब मेरी बात समझना, आपके पास हाफ लाइफ कितनी आई, 0.5। मैंने अभी आपको बोला कि व्हेन गिवन टाइम इंटरवल इज मल्टीपल ऑफ इट हाफ लाइफ, हाफ लाइफ कितनी आई 0.5। बताओ गिवन टाइम इंटरवल कितना है, 8 मिनट, तो ये कितने टाइम मल्टीपल हाफ लाइफ का, आपकी जो हाफ लाइफ है 16 टाइम मल्टीपल है गिवन टाइम का, दिख रहा है ना, 0.5 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया, 8 मिनट आ गया। मतलब कि आपका जो हाफ लाइफ जो आपको गिवन है वो गिवन टाइम इंटरवल के कितने टाइम्स कुछ मल्टीपल आया ना, ठीक है 16 टाइम मल्टीपल है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये कंडीशन समझनी है और इस फॉर्मूले को लगाना है कि जब आपको जो टाइम इंटरवल गिवन है उस हाफ लाइफ का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए, हाफ लाइफ का 16 टाइम मल्टीपल है आपका गिवन टाइम, इट मींस ये कंडीशन प्रूव हो रही है और उस टाइम पर आपको ये फॉर्मूला लगाना है, एटी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 1/2 द पावर एन, जहां पर एन क्या हो गया आपका नंबर ऑफ हाफ लाइफ और वो कितनी आ गई है, 16 आ चुकी है। तो अब बताओ ये एटी, एटी कितना हो गया,
इंटू वन अपॉन टू टू दी पावर 16 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 2 की पावर 1 है और ये 2 ऊपर आएगा, माइनस 1 माइनस 16 होगा, तो ये 80 हो जाएगा का समथिंग आपका 2 टू दी पावर 1 अपॉन 2 की पावर 15। ठीक है, तो हियर इज योर फाइनल आंसर। सनमारी कंडीशन, आपको इस फॉर्मूले को यूज कब करना था कि जब आपके पास जो भी टाइम इंटरवल दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हाफ लाइफ का मल्टीपल हो तब यूज करना है, या फिर आपके पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 2 की मल्टीपल में होनी चाहिए। ठीक है, तो समझ लो। अब देखो फर्स्ट कंडीशन प्रूव कर दी हमने कि हमारे पास जो हाफ लाइफ यहां पर आई कैलकुलेट करने पर वो हाफ लाइफ गिवन टाइम इंटरवल के कोई ना कोई मल्टीपल में थी, तो ऑब्वियसली बात अगर मल्टीपल में है हाफ लाइफ गिवन टाइम इंटरवल के तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। समझ में आती कंडीशन? चलिए ऐसा कीजिए, एक बार इसे नोट कीजिए फिर हम आगे मूव करते हैं। कल्याण नोट, समझवाती थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, अब मूव करते हैं आगे और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो देखो बेटा ध्यान से, देखिए अब बात करते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की। तो जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका यहां पर पॉइंट है व्हेन, देखिए एक मिनट, कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेम फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट इज कंप्लीटेड, या फिर इज कंप्लीटेड इन लिख लेते डायरेक्ट, इज कंप्लीटेड इन सेम टाइम इंटरवल। ठीक है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेम फ्रैक्शन इज कंप्लीटेड इन सेम टाइम इंटरवल। देखो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? इसको मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, कहां सिखाई थी अभी आपको समझ में आ जाएगी मैंने कहां सिखाई थी इसको आपको। ठीक है, ध्यान से देखना इसको एक बार, सेम फ्रैक्शन रिएक्टेंट का सेम टाइम इंटरवल कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लू कि मेरे पास कोई रिएक्टेंट है ए नोट, इस ए नोट को आपने 10 मिनट्स में आपने रिएक्शन स्टार्ट की है जहां पर रिएक्टेंट लिया आपने ए नोट। ठीक है, और रिएक्टेंट ए था और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी ए नोट। ठीक है, रिएक्शन ए था, रिएक्टेंट आपके पास ए था और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी ए नोट। तो रिएक्शन स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद ये 10% डीकंपोज हो चुका है। रिएक्शन स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद ये जो ए था उसका ए का जो भी कंसंट्रेशन ए नोट उसका 10% डीकंपोज हो चुका है। तो मुझे बताओ कि भाई जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो भी 10 मिनट बाद जो भी इसकी कंसंट्रेशन लेफ्ट रहेगी वो कितनी होगी? प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि 10 मिनट बाद इस ए की जो कंसंट्रेशन लेफ्ट रहेगी वो कितनी होगी। इसका 10% निकाल दो, इसका 10% चला गया तो कितना बचा? 0.9 ऑफ ए नोट बचा। ठीक है, अब क्या किया मैंने, आफ्टर 10 मिनट्स वापस वही चीज, आफ्टर 10 मिनट्स वापस इसका क्या चुका है, 10% डीकम्पोज हो चुका है। तो अब बताओ अब कितना बचा, इसका 10% डीकम्पोज हो गया तो 0.81 ऑफ ए नोट। फिर क्या हुआ, वापस 10 मिनट के बाद इसका 10% डीकम्पोज हो चुका है, इसका वापस 10% डीकम्पोज हो चुका है। तो बचा कितना, ये बचेगा कुछ 0.729 है ए नोट। फिर क्या हुआ, वापस 10 मिनट बाद क्या हुआ, इसका 10% डीकंपोज हो चुका है। तो ये चलता रहेगा आगे इस तरह से। देखो यहां पर ध्यान से कि हुआ क्या, इनिशियल लिया था आपने ए नोट, 10 मिनट में 10% डीकंपोज हुआ तो ए नोट का 10% गया तो बचा कितना, 0.9। ठीक है, वापस 10 मिनट में 10% डीकंपोज हुआ तो बचा कितना भाई, 0.81।
वापस इसके 10 मिनट में 10% डिकम्पोज हुआ, बचा कितना 0.729, वापस इसके 10 मिनट में 10% डिकम्पोज हुआ और ये चलता रहेगा, सोन चलता रहेगा। अब इसको ध्यान समझो, एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का 10-10% डिकम्पोज होता रहा है, तो ये रिएक्शन क्या कभी कंप्लीट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना, इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, उसकी कंप्लीशन टाइम इनफाइनाइट होता है। हमने पढ़ा था ना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए कि उसका जो कंप्लीशन टाइम होता है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते आप प्रैक्टिकली, ठीक है ना। थ्योरेटिकली हम यही बोलते हैं कि प्रैक्टिकली तो ऐसा बोलते हैं कि 70-80% या 90% अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है तो कंप्लीट है, लेकिन अगर थ्योरेटिकल आप बताओ तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। समझ में आती है बात? अच्छा अब इसको ध्यान से देखो, यहां पर मैं क्या करता हूं कि मैं इनका रेशियो कैलकुलेट करता हूं। रेशियो का मतलब कि जैसे मैं बोलूं कि मुझे इसकी जो फर्स्ट की जो कंसंट्रेशन थी ए नोट, उसमें सेकंड वाले को डिवाइड करता हूं, तो बताओ क्या आएगा रेशियो? आएगा ये ए नोट अपॉन 0.9 ऑफ ए नोट, बताओ कितना आएगा ये? यह आ जाएगा 10/9 आया। अब क्या करो, इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना, सेकंड और थर्ड का, तो 0.9 ऑफ ए नोट अपॉन 0.81 ऑफ ए नोट, बताओ ये कितना बचेगा? ए नोट से ए नोट गया, ये बच गया 9, 9 से 91, तो 10/9 बच गई भी। अब इन दोनों को देखो, 0.81 ऑफ ए नोट अपॉन 0.729 ऑफ ए नोट, इसे भी कैलकुलेट करो, रेशियो कितना आएगा? 10/9। ध्यान से देखो, यहां पर किसी भी दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसे क्या बोलते हैं आप? कॉमन रेशियो बोलते हो। क्या बोलते हैं साहब? कॉमन। यहां पर रेशियो क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, समझना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं कि एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जब सेम टाइम इंटरवल में सेम परसेंटेज ऑफ अमाउंट अगर कंज्यूम होता है तो जो रिएक्शन होती है उनका कॉमन रेशियो क्या आता है? सेम आता है। और ऐसी रिएक्शन को आप बोलते हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हो आप? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बोलते हो। भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर सेम टाइम इंटरवल में सेम परसेंटेज ऑफ अमाउंट कंज्यूम होता है तो उसका जो कॉमन रेशियो भी क्या आता है? सेम आता है। ऐसी रेशियो को क्या बोलते हो आप? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हो। ठीक है, अब मैंने ये आपको क्यों सिखाया, ध्यान रखना अभी तो, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेम टाइम इंटरवल में सेम परसेंटेज ऑफ अमाउंट अगर कंज्यूम होता है तो उनका कॉमन रेशियो सेम आता है, और ऐसी रिएक्शन को आप ज्योमेट्रिक रिएक्शन कहते हो। अब समझो मैंने क्यों पढ़ाया, जैसे कि देखो मैं बात करता हूं आगे, थोड़ी सी देखो, थोड़ा सा हटा देता हूं मैं और आगे बात करता हूं कि मेरे पास इनिशियली कुछ ए नोट था, ठीक है, इनिशियल कुछ रिएक्टेंट था ए नोट, ठीक है। अब मैंने ये बोला कि भाई इस रिएक्शन का कुछ हाफ लाइफ गिवन है, टी हाफ, ये रिएक्शन कितनी हो चुकी है? हाफ कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कि टी हाफ आपके पास गिवन है। मुझे बताओ कि इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट थी, हाफ लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, हाफ लाइफ आ चुकी है, मतलब कि इनिशियल का हाफ कंसंट्रेशन लेफ्ट होगा, तो ये कितना होगा आगे? ए नोट बाई टू। लेफ्ट कंसंट्रेशन कितनी होगी इनिशियल की? हाफ, मतलब ए नोट बाई टू। अब मैंने बोला कि इसकी भी हाफ लाइफ है आपके पास, बचा इसका कितना बचा होगा? इसका हाफ हो चुका होगा, इसका हाफ कितना होगा? ए नोट बाई फोर होगा। अब मैंने बोला कि इसकी भी हाफ लाइफ है आपके पास, ये भी हाफ कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन, इसका हाफ कितना बचा वापिस? ए नोट बाई एट। फिर मैंने बोला किसकी भी हाफ लाइफ आपके पास, अब बताओ कितना बचा होगा? ए नोट बाई 16 बचा होगा, सही है ना, दिख रहा है ना। अब देखो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ये ध्यान से देखना भाई, इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, दो रिएक्शन, इस दो की बात करता हूं, ए नोट से ए नोट बाई टू गया तो हाफ लाइफ हुई, ए नोट बाई टू से ए नोट बाई फोर गया तो हाफ लाइफ हुआ। मुझे बताओ कि ये तो हो गया 100%, हाफ लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, इसको क्या बोल रही है? 0.5 ऑफ ए नोट है, इसे क्या बोल सकता हूं मैं? 0.25 ऑफ ए नोट है, इसे क्या बोल सकते हैं आप? 0.125 ऑफ ए नोट है ना, इसे क्या बोल सकते हो आप? 0.0625 ऑफ ए नोट है, कैलकुलेट करना इतना ही आएगा। अब मुझे बताओ किस रिएक्शन की बात करता हूं, भाई मैंने पढ़ा था ना कि भाई टी हाफ लाइफ क्या होता है, सॉरी टी 75% क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ लाइफ होता ना, मैंने पढ़ाया था एक चीज। अब देखो इसको, यहां पर ये रिएक्शन हुई हाफ कंप्लीट,
ये रिएक्शन कितनी हुई है, यहां से देखो, इस एनोड से 0.20, इससे यहां तक देखो, 100% से 25% तक कंप्लीट हो चुकी है। 100% थी, ठीक है, 100% थी यहां पर, ये यहां से कहां तक चली गई है भाई, ये 25% तक चली गई। अब जो रेस्ट यहां पर बचा ये कितना है, ये 25% ही तो है, ये 25% ही तो है। इनिशियली कितना था आपके पास, 100%, कितना बचा है, 25%, तो कितना कंज्यूम हो चुका है भाई, 75% क्या हो चुका है यहां पर, आपका रिएक्टेंट डीकंपोज हो चुका है। मुझे बताओ कि 75% डीकंपोज होने के लिए इसको कितनी हाफ लाइफ की जरूरत पड़ी, 1 + 1 कितनी हो गई, 2 हाफ लाइफ की इक्वल, मतलब कि आपका यहां पर ये प्रूव हो चुका है कि जो टी 75% होता है वो 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ लाइफ होता है। अरे प्रूफ हुआ क्यों हुआ, देखो भाई 100% था, 25% तक ये कंज्यूम हो चुका है, तो 25% तक बचा है, मतलब कि 75% क्या हो गया पर, डीकम्पोज हुआ। अगर 75% डीकम्पोज हुआ तो 75% डीकम्पोज होने के लिए इसको कितनी हाफ लाइफ की जरूरत पड़ी, 2 हाफ लाइफ की जरूरत पड़ी। इसलिए हमने लिखा था कि टी 75% क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ लाइफ होता है, ठीक है। अच्छा आगे और देखते हैं, अब देखो मुझे ये बताओ कि भाई यहां से यहां तक देखो, ये कितना 100%, ये कितना हो गया भाई, ये 12.5% लेफ्ट है यहां पर, इतना ही तो लेफ्ट है, ठीक है, मतलब कि कितना कंज्यूम हो चुका है भाई, 87.5% डीकम्पोज हो चुका है। अरे इतना डीकम्पोज हुआ तभी तो इतना लेफ्ट है, मुझे बताओ कि 87.5% डीकम्पोज होने के लिए कितनी हाफ लाइफ की जरूरत पड़ी, 1 + 2 + 1 कितनी हो गई, 3 हाफ लाइफ की जरूरत पड़ी, मतलब कि 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ लाइफ फेक नहीं है आपका, टी 87.5% है, इसलिए मैंने आपको ये सिखाया इस चीज को प्रूव करने के लिए। आगे देखो भाई, फर्स्ट से लेकर थर्ड लास्ट तक वाले देखो, ये कितना 100%, ये कितना है 0.0625, मतलब कि ये हो गया समथिंग 6.25% लेफ्ट आपका। अगर इतना लेफ्ट है तो डीकम्पोज कितना हुआ है, ये डीकम्पोज हो चुका है 93.75% डीकम्पोज हो चुका है, तो टी 93.75% बताओ कितनी हाफ लाइफ के इक्वल है, 4 हाफ लाइफ के इक्वल है। समझ में आती क्या कुछ बात भाई, ये चीज जो हमने पढ़ी थी ना भाई, टी 75% 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ लाइफ इक्वल होता है, टी 87.5% 3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ इक्वल होता है, तो इस चीज को हमने यहां पर प्रूफ कर दिया, इसीलिए मैंने आपको फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक समझाई है। समझ में आती है, चलिए इसे नोट कीजिए फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए तो बात करते हैं आगे, देखिए बेटा फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की हमारी, हमें बताइए, मुझे बताओ कि आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एटी का आपने रिलेशन पढ़ा था, एक एटी इज इक्वल टू क्या होता है, ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी होता है, होता है कि नहीं होता है। अब मैं क्या करना है, सिंपल सी चीज है, यहां पर आपको नेचुरल लॉग लेना है, ठीक है, नेचुरल लॉग लोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ एटी इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। अब भाई यहां पर फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला क्या लगता है भाई, एल एन ऑफ ए इंटू बी, फॉर्मूला लगता है एल एन ऑफ ए इंटू बी, ये हो जाएगा एल एन ऑफ ए प्लस एल एन ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो फॉर्मूला में इस तरफ लिखता हूं, थोड़ा इधर लिखता हूं, ठीक है, एल एन ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल क्या होगा, एल एन ऑफ ए प्लस एल एन ऑफ बी। तो फर्स्ट फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई करो एल एन ऑफ ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ ए नोट प्लस एल एन ऑफ ई टू दी पावर माइनस के टी, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ये ई बेस है, अब देखो आगे, नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं। अब यहां से नेक्स्ट फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, देखो एल एन ऑफ ए टू दी पावर बी क्या होता है, बी एल एन ऑफ ए होता है, तो एल एन ऑफ ए टू दी पावर क्या हो गया, बी बी आगे आ जाएगा, तो यहां से एक नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, एल एन ऑफ ए टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए नोट माइनस के टी इंटू एल एन ऑफ ई बेसी, ये कितना होता है, 1 होता है, ध्यान रखना फैस में, एल एन ऑफ ई बेसी ये कितना होता है, 1 होता है, तो ये तो पूरा गया, बचा गया सिर्फ माइनस के टी बचा। अब इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन आपकी इक्वल हो चुकी है वाई इज इक्वल टू, ये इक्वेशन इक्वल है आपकी वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, या फिर एम एक्स प्लस सी लिख दो आप, ठीक है कोई बात नहीं,
ठीक है, एम एस प्लस सी के इक्वल हो गई ये क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ग्राफ स्टडी करना है। देखो ग्राफ क्यों पढ़ा रहा हूं मैं यहां पर, इसके ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मुझे बताओ कि वाई एक्सिस पे किसको आना चाहिए, वाई एक्सिस पे आएगा एल एन ऑफ ए टी। एक्स एक्सिस पे किसको आना चाहिए, तो देखो एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है, ठीक है टाइम है, ठीक है इसे थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, अब देखो स्लोप आपका कैसा है, नेगेटिव है, लेकिन इंटरसेप्ट कैसा आपका, पॉजिटिव है। अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है मतलब कि ये इस कंपार्टमेंट में ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये एक्सिस क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो अब देखो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, आपका स्लोप नेगेटिव है मतलब कि नेगेटिव स्लोप, मतलब इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। और यहां पर ये क्या होगा, इसका इंटरसेप्ट जो कितना है, एल एन ऑफ ए नोट है। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो स्लोप कहता है कि ये किसके इक्वल है, माइनस ऑफ के इक्वल है ना। स्लोप देखो एम किसके इक्वल है, माइनस के इक्वल है। तो इसलिए मैंने ग्राफ पढ़ाया कि एल एन ऑफ ए टी और टाइम के बीच में अगर आपको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कुछ आपका इस तरह से बनेगा, जहां पर इस ग्राफ की जो स्लोप है वो माइनस के इक्वल होती है और इसका इंटरसेप्ट एल एन ऑफ ए नोट के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए कि हमने पता एक पढ़ा था कि नेचुरल लॉग को, जिसका बेसिस क्या होता है, ई होता है, इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो, तो वही चीज है, इसे भी उसी तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पर आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन बन सकती है लॉग बेस 10 एटी इज इक्वल टू लॉग बेस 10 ए नोट माइनस के अपॉन 2.303 टी। ओके ये क्वेश्चन बन सकती है, कैसे बनी, तो देखो भाई इसको क्या करना है, आपको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या करो, सबको 2.303 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 2.303 लॉग बेस 10 एटी इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस ए नोट माइनस के टी। 2.30 से क्या करो, सबको डिवाइड कर दो, अगर डिवाइड करोगे तो लॉग बेस 10 ए टी इज इक्वल टू लॉग बेस 10 ए नोट माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी। बताओ बन गई इक्वेशन, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, वही चीज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव, मतलब इस कंपार्टमेंट ग्राफ बनेगा। y एक्सिस पे कौन आएगा, तो लॉग ऑफ ए टी आएगा। x एक्सिस पे कौन आएगा, तो t आपका टाइम आएगा, ठीक है, जो भी बहुत अच्छा चल रहा है। स्लोप कैसा है आपका, नेगेटिव है, मतलब ये ग्राफ बनेगा आपका कुछ इस तरह से, जहां पर इसकी स्लोप बोलती है कि किसके इक्वल है, माइनस के अपॉन 2.303 के इक्वल है, और इसका इंटरसेप्ट बोलता है कि इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, ये लॉग बेस 10 ए नोट के इक्वल है। समझ में आता है ग्राफ, ठीक है। तो ये था ग्राफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो आपको आना चाहिए। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, मैं उसे सॉल्व करवाता हूं। कर लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, चलो आगे मूव करते हैं। देखो न्यूमेरिकल क्या है, देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि यहां पर आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन है आपको एक ग्राफ दिया हुआ है एल एन ऑफ ए टी और टी टाइम के बीच में, टाइम गिवन है आपको मिनट में, स्लोप आपकी ये रही नेगेटिव, यहां पर स्लोप बोला है उसने माइनस के, और ये बोला है कि ये जो 45 डिग्री एंगल है, ठीक है ये इतना बोला है इसने, ठीक है। फिर आपको ये बोला है इसने कि व्हाट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर 3.5 मिनट्स, और यहां पर एल एन ऑफ टू की वैल्यू गिवन है 0.7, ठीक है। चलो तो करें सॉल्व, देखो एक ग्राफ गिवन है एल एन ऑफ ए टी और टाइम के बीच में, यहां पर बोला है कि स्लोप माइनस के इक्वल है, और ये एंगल इसने दिया है कि कितना है, 45 डिग्री है।
अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या बोला है कि व्हाट अमाउंट ऑफ रिएक्टेड विल बी लेफ्ट आफ्टर 3.5 मिनट। समझना इसको, देखो यहां पर जो भी आपको गिवन टाइम है क्या वो उसकी हाफ लाइफ का मल्टीपल है क्या, पहले वो चेक कर लो। इसकी हाफ लाइफ कैसे निकालोगे भाई, टी हाफ होता है 0.693 अपॉन के होता है, ठीक है। के हमें पता नहीं है, हमें के को कैलकुलेट करना है, तो मुझे बताओ के कैसे कैलकुलेट करोगे। बताओ स्लोप किसके इक्वल है, माइनस के इक्वल है। देखो ये एंगल कितना है 45 डिग्री, तो ये भी कितना होता है, ये भी 45, और ये कितना होता है 90। अगर ये 45 है तो बताओ बाकी का जो बचा है वो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा। बताओ टेन 135 किसके इक्वल होता है, टेन 135 किसके इक्वल होता है, ये -1 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, -1 के। तो जो स्लोप है उसको टेन थीटा से तो डिनोट करते हो, जो स्लोप होती है उसे टेन थीटा थीटा से बताते हो, तो टेन थीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस के। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, -1, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो बताओ मुझे हाफ लाइफ किसके इक्वल आ गई, 0.693, इसको 0.7 मान लो डायरेक्ट, क्योंकि थोड़ा इजी रहेगा सॉल्व करना, क्योंकि किसके इक्वल है, 0.7 के इक्वल है, अपॉन के 1, 0.7 मिनट आ गया। अब मुझे बताओ क्या इसकी हाफ लाइफ गिवन टाइम का मल्टीपल है। हाँ इसकी हाफ लाइफ मल्टीपल है गिवन टाइम के, 2 टाइम्स है, सही है, सॉरी 5 टाइम्स मल्टीपल है, ठीक है। तो अब देखो जब उसका गिवन टाइम, मैंने बोला था ना भाई कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी कि जब गिवन टाइम हाफ लाइफ का मल्टीपल होता है तब आप इक्वेशन यूज करते हो, एटी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 1/2 टू द पावर n, जहां पर n क्या होती है आपकी नंबर ऑफ हाफ लाइफ। बताओ एटी भाई क्या बोला उसने, व्हाट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट, तो एटी कैलकुलेट करना है, ए नोट आपका ए नोट ही है, ठीक है, ये कुछ वैल्यू गिवन नहीं, इसने ए नोट ही बोलना है, ठीक है, यहाँ पे ए नोट ही लेके चलने से, इनटू 1/2 की पावर n, n बताओ कितना हो जाएगा, वे n क्या होता है, गिवन टाइम अपॉन हाफ लाइफ, 3.5 अपॉन 0.7, ये कितना हो गया 5, ये पावर कितना आ गया 5। हियर इज योर आंसर, समझ में आता है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। देखो वापस बात करते हैं भाई, इसने क्या बोला, एक ग्राफ दे दिया इसने, वहां पर इसने सिंपल चीज बोली कि भाई ग्राफ का एक एंगल दिया है उसे 45 डिग्री, और उसने ये बोला है कि आफ्टर 3.5 मिनट कितना अमाउंट रिएक्टेंट का लेफ्ट रहेगा। तो सिंपल सी चीज है कि यहां पर आपको क्या कैलकुलेट करना था कि भाई अगर जब भी आपको कुछ गिवन टाइम देना, आज के बाद याद रखना जब भी न्यूमेरिकल करो आप, कि जब भी आपको गिवन टाइम दिया है उसको आप चेक करो क्या वो हाफ लाइफ का मल्टीपल तो नहीं है। हमने देखा हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है 0.693 अपॉन के, 0.693 को हमने अप्रोक्स 7 मान लिया। अब हमें के नहीं पता था, हम के कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो ग्राफ, जब भी ग्राफ के क्वेश्चन हो ना तब ग्राफ में से अब स्लोप निकालोगे, तो स्लोप होती है माइनस के इक्वल, के निकालना था। हमने देखा कि यहां पर जो एंगल बन रहा है वो 135 डिग्री बन रहा है, मतलब कि टेन 135 डिग्री कितना होता है, -1 होता है। अगर टेन 135 डिग्री -1 होता है तो ध्यान रखना, शायद मैंने आपको नहीं बताया था लेकिन याद रखना, जो स्लोप होती है वो टेन थीटा से डिनोट की जाती है, ठीक है। तो टेन 135 कितना हो गया, -1, तो के किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल, के 1 आ गया, के की वैल्यू 1 पुट की, टी हाफ लाइफ कितना आ गया, 0.7 मिनट। यहां पर दिख रहा है कि जो आपका गिवन टाइम है वो हाफ लाइफ का 5 टाइम्स मल्टीपल है, तो यस आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, एटी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 1/2 होल टू द पावर n, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट कर ली कितनी आ गई 5, वैल्यू पुट की, और हियर इज योर आंसर, क्लियर है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाफ लाइफ, इसे आप और भी सॉल्व कर सकते हो, ये इक्वल हो जाएगा 80 इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 32, ठीक है, 2 की पावर 5 कितना, 32 होता ना, हाँ इतना ही होता है, ठीक है। तो इसे आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जहां पर आज हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट की। उसमें हमने पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में ये देखा कि आपके पास कैसे, जब आपके पास जो भी गिवन टाइम इंटरवल है अगर हाफ लाइफ का मल्टीपल है तो आपको इस इक्वेशन को यूज करना है, फर्स्ट हमने ये चेक किया। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ये देखी कि जो टी 75% होता है वो 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ लाइफ होता है, टी 87.5% होता है वो 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ लाइफ के इक्वल होता है, टी 93.75% 4 टाइम्स ऑफ इट्स हाफ लाइफ के इक्वल होता है। ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी लेकिन आज मैंने वापस उसको प्रूफ करके बता दिया। फिर मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स 5th नंबर की है, जो आपको ध्यान रखना है कि ये हमने क्यों पढ़ी, क्योंकि यहां पर हमें स्लोप, अगर ग्राफ के ऊपर कोई क्वेश्चन देता है तो उस ग्राफ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सिखाने के लिए मैंने 5th कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ाई। और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आपको ध्यान रखने हैं, दोनों ग्राफ, लॉग वाले और नेचुरल लॉग वाला, दोनों ग्राफ आपको ध्यान रखने हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए
आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर रिव्यू दीजिएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।